ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी क्या होती है, इसको आप कैसे मेजर करते हो, और किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए किन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम अदित्य दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल तीन सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ कायरलिटी, फिर क्या है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर हम क्या पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं बेटा, डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी की। भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, देखो ये पाया गया कि एक हमारे पास होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड, मैं आपको पता भाई अगर किसी लाइट में, अगर लाइट के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन के हमारे पास क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर एक ही प्लेन में क्या है इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मान ले भाई हमारे पास लाइट का प्लेन ये है, मान ले भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस प्लेन में है, ठीक है। तो जब ये मान ली लाइट है, मतलब लाइट चल रही है इस दिशा में, ठीक है लाइट चल रही है इस दिशा में, और ये मानो ये क्या है प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी प्लेन्स में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो लाइट जब किसी कंपाउंड से गुजरे ना, तो ये पाया गया कि जब प्लेन पोलराइज लाइट किसी कंपाउंड से गुजरती है तो उसका प्लेन हल्का फुल्का रोटेट हो जाता है, या तो ऐसे या ऐसे, यानी जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन पहले ऐसी थी वो क्या हो जाएगी, मान लिया इस दिशा में होगी वो, मतलब ऐसे होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक प्लेट ये थी ना, मान इलेक्ट्रिक प्लेट अगर ये होगी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट, और कभी ये नेगेटिव, आपको पता भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट लगातार बदलती रहती है, तो कभी ये पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव कभी पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा क्या वर्टिकल, क्या रहेगा वर्टिकल, समझे बात। अब अगर ये इलेक्ट्रिक प्लेट ऐसे हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन ये नहीं हो जाएगा हमारे पास। तो ये पाया गया कि जो लाइट होती है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर उसको हम किसी सॉल्यूशन से कई बार गुजारते हैं ना, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के सॉल्यूशन से, जब भाई साइंटिफिक कम्युनिटी ने देखा कि प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारा जाता है, तो उस लाइट का प्लेन थोड़ा सा मुड़ जाता है, या तो राइट में या लेफ्ट में, और ये एबिलिटी सभी कंपाउंड्स के पास नहीं होती। तो जो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है बात। और मैं आपको बताऊं भाई, आप देख अपनी मोटे तौर पे दुनिया में हर एक कंपाउंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, एक तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जो कंपाउंड्स लाइट के प्लेन को नहीं मोड़ते वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, जो कंपाउंड्स लाइट के प्लेन को, जिन कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में से जब लाइट गुजरती है तो उसका प्लेन मुड़ जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो साइंटिफिक जो भाई कम्युनिटी थी उसके दिमाग में यह था कि ऐसा क्या है कि सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते और सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव भी नहीं होते, तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो होती होगी, कोई तो वजह होगी, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। तो उन्होंने ये पाया, तो उन्होंने नहीं ये पाया कि सिर्फ वही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो जब कोई कंपाउंड बनाते हैं भाई, तो उस कंपाउंड को, उस कंपाउंड के क्रिस्टल्स होते हैं, क्या होते हैं उसके क्रिस्टल्स। तो उन्होंने ये पाया कि अगर वो किसी कंपाउंड को क्रिस्टलाइज करते हैं, यानी जब भी वो किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, मतलब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर उसकी मैं क्रिस्टल फॉर्म देखूं, क्या देखूं उसकी मैं क्रिस्टल फॉर्म, तो उसकी क्रिस्टल्स दो तरह के होते हैं हमेशा, क्या होते हैं, मतलब वो हमेशा दो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, समझे बात। और दोनों क्रिस्टल्स आप एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होते, क्या
नहीं आपको समझ, तो उसको आपको थोड़ा आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना, ये जो कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी में, समझे बात, दोनों क्रिस्टल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है, ओके। अच्छा पहले आप मुझे बताओ भाई, तो अरे भाई चलो मैं आपको बताऊँ इसका नाम कायरनेटिक क्यों आया, कायरनेटिक क्यों आया, मान लिया हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड ए तो ऑप्टिकली एक्टिव है और कंपाउंड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है बात। तो अगर मेरे पास कंपाउंड ए का सॉल्यूशन ना है, मेरे पास कंपाउंड ए का सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास कंपाउंड ए का क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्या मेरे पास, तो जब अगर मैं वो जो घड़ी साज नहीं होती भाई, जो आंख के ऊपर वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के और चीजों को छांटते हैं घड़ी के पुर्जे, तो मैं ऐसे अगर मान लिया मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के और ए के क्रिस्टल्स छांटूंगा, तो मैंने देखा कि ए के सारे क्रिस्टल्स आइडेंटिकल ना है, आमतौर पर भाई किसी भी कंपाउंड के सारे क्रिस्टल्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन ये पाया गया कि ए के सारे क्रिस्टल्स आइडेंटिकल नहीं है, कुछ क्रिस्टल्स एक तरह के और कुछ क्रिस्टल्स क्या एक तरह के, मतलब इसके पास दो तरह क्या है क्रिस्टल्स है, वो भी है कि भी, तो इसके हमारे पास क्या है, टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हमको मिलेंगे, टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, और पहली टाइप का जो क्रिस्टल होगा ना वो दूसरी टाइप के क्रिस्टल की मिरर इमेज होता है, क्या होता है, मतलब अगर मैं एक क्रिस्टल को मिरर के सामने रख दूं तो उसकी जो मुझे इमेज नजर आएगी ना, उस इमेज का क्रिस्टल पड़ा है इसके अंदर, बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर मान ले भाई मैं बी के देखूं तो बी के सारे क्रिस्टल क्या होते हैं, एक से, यानी यहां पर दो टाइप के क्रिस्टल मिलते हैं जो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज, क्या होते हैं, दूसरे की मिरर इमेज। और यही पाया गया कि अगर मैं एक क्रिस्टल को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहूं ना, तो एक क्रिस्टल दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो ही नहीं सकता, मतलब एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल की मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल। आप कहोगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या होता है, देखो मान लिया मेरे पास एक ट्रायंगल है, बोलो भाई, मैं उसका एक ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल को मैं मिरर में देखूं तो ये नजर आएगा ना मुझे, तो क्या इसको इसके ऊपर, मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूंगा तो इसको पूरी तरह ढक लेगी, तो क्या आपस में सुपर इम्पोजेबल, तुम क्या बोलेंगे, ये अपने मिरर इमेज के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोजेबल, समझे बात। लेकिन उन्होंने बताओ क्या पाया भाई, कि जो ये दो क्रिस्टल के ना, तो एक क्रिस्टल दूसरे की मिरर इमेज तो है लेकिन दोनों क्रिस्टल आपस में क्या, नॉन सुपर इम्पोजेबल, समझे बात। तो हम क्या बोलेंगे, बी के तो सारे क्रिस्टल क्या है, एक से भाई, बी के तो क्रिस्टल क्या है, एक टाइप के हैं, क्रिस्टल दो टाइप के हैं, किसके हमेशा एक ही, एक क्रिस्टल दो टाइप के हैं और वो क्रिस्टल आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं है और मिरर इमेज है, क्या ये मिरर इमेज है। तो उन्होंने क्या पाया भाई, और उन्होंने ये अक्रॉस द बोर्ड पाया, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड देखी कि जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना, जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव उसके सिर्फ क्रिस्टल एक टाइप के होते हैं, और जो भी कंपाउंड क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव उसे कंपाउंड क्या होते हैं, उसके क्रिस्टल क्या होते हैं, दो टाइप के, और दोनों टाइप के क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं उसके, और वो क्रिस्टल आपस में क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नहीं आपको, बोलो भाई। तो फिर वो बोले कि ऐसे तुम्हारे हाथ भी होते हैं, तो क्या बोले भाई कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होंगे, जिस भी कंपाउंड के क्रिस्टल, जो भी कंपाउंड दो तरह की फॉर्म में रहता होगा और दोनों फॉर्म आपस में क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जो कंपाउंड दो फॉर्म में रहता है, जो कंपाउंड दो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है और वो क्रिस्टल फॉर्म आपस में क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, क्या हो वो, मिरर इमेजेस। अगर भाई उन्होंने फिर देखा ऑप्टिकल एक्टिव सिर्फ कौन से हैं, जो भी कंपाउंड एक ही फॉर्म में रहते हैं, एक ही क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, वो सारे क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो दो फॉर्म में रहते हैं और दोनों फॉर्म क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो बोले इसको तो कंडीशन होगी, फिर बोले ऐसे तुम्हारे हाथ भी होते हैं, तो हमारे जो हाथ हैं वो भी एक दूसरे की मिरर इमेज, क्या दूसरे की वो मिरर इमेज। आपको मिरर इमेज कैसे, ऐसे भाई देखो ये हाथ है, अगर आप इसको अगर यहां पर मिरर लगा दो, ठीक है, तो मुझे यहां पर नजर आएगा मेरा हाथ ही,
ये हाथ मेरे लगाने पर यहां नजर आएगा, या मान लिया ये हाथ यहां पर है तो ये हाथ यहां पर नजर आएगा मुझे। तुम क्या बोलो, मेरा हाथ ये हाथ और ये हाथ आपस में मिरर इमेज के नहीं है, लेकिन तो हैंड्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे इस कंपाउंड के दोनों क्रिस्टल फॉर्म क्या है, दूसरे की मिरर इमेज। हमारे हाथ भी क्या आपस में मिरर इमेज, लेकिन हमारे हाथ आपस में ये सुपर इम्पोजिबल ना होते। आपको मेरा एक हाथ दूसरे को भी कभी भी नहीं ढक सकता। आपको ऐसे कैसे, आपको ऐसे ढक लेगा, ऐसे नहीं भाई। अभी देखो इसमें जो ये क्या बोलते हैं हथेली है, ये ऊपर की तरफ, इसमें हथेली कहां पर है, नीचे की तरफ। हथेली भाई हथेली के ऊपर होनी चाहिए, नहीं समझे बात। हथेली नहीं, इसमें नीचे, इसमें क्या होना चाहिए, नीचे होनी चाहिए, नहीं आपको। और नीचे मैंने कर दी हथेली, तो देखो भाई देखो इसमें ये वाली स्किन क्या है ऊपर, ये वाली स्किन क्या है ऊपर। अभी आप सुपर इम्पोज हो तो गए, नहीं नहीं हो सुपर इम्पोज भाई। सुपर इम्पोज कैसे हो गए बताओ, इसमें हथेली ऊपर, इसमें हथेली क्या है नीचे। सुपर इम्पोज मतलब क्या है, इसमें हथेली भी क्या होनी चाहिए सुपर इम्पोज। अगर मान लिया एक हाथ ऊपर तो उसकी हथेली भी क्या होनी चाहिए, नीचे ऐसे होना चाहिए। हाँ मतलब इसमें अगर ये अंगूठा साइड होता ना ये, तो ये होता है ऐसे। अगर देखो भाई मैं इनको कभी भी सुपर इम्पोज नहीं कर, देखो हथेली नीचे रखी मैंने, अगर मैंने थम से थम मिला दिया और फिंगर से फिंगर, तो हथेली एक के ऊपर एक के नीचे, और मैंने हथेली दोनों नीचे कर दी, तो इनके थम और फिंगर देखो मैच नहीं करेंगे। अब नजर आ रहा है आपको, इससे आप देखोगे, इसलिए आप देखोगे ना, आप जो ग्लव्स होते हैं, आप जो ग्लव्स होते हैं क्रिकेट के, एक हाथ के ग्लव्स आप दूसरे में नहीं पहन सकते कभी भी, इन दोनों इक्वल नहीं है। बात आपको पड़ी, तो बोले हमारे हाथ भी क्या सुपर इम्पोजेबल नहीं भाई। ये मत सोचिए ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं होता भाई, क्योंकि इसमें हथेली ऊपर है, इसमें हथेली नीचे है। समझ आप, हथेली नीचे, इसमें हथेली नीचे होनी चाहिए, कर दो नीचे हथेली। अब सुपर नौकरी नहीं ना, तो बोले अब ग्रीक में पता नहीं लैटिन में हाथ को बोलते कियर, क्या बोलते हैं कियर। तो वो बोले जो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, जो भी मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली एक्टिव मिले, जो भी भाई लाइट के प्लेन को मोड़ सकते हैं लेफ्ट में या राइट में, वो सारे के सारे दो क्रिस्टल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। और वो क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो बोले भाई नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस तुम्हारे हाथ भी होते हैं। तो बोले भाई जो क्रिस्टल हाथों जैसे हो, जो कंपाउंड हाथों जैसे हो, कियर लाइक, तो कियर लाइक को बोले कायरल। अब समझे वर्ड कहां से है कायरल, कियर लाइक प्रॉपर्टी, हाथों वाली प्रॉपर्टी। हाथ क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कियर हैंड्स, तो हैंड्स लाइक प्रॉपर्टी, कियर लाइक प्रॉपर्टी, यानी जो हाथों जैसे प्रॉपर्टी होंगे वही क्या होंगे एक्टिव। समझे बात, इसलिए भाई एक नाम आया कायरलिटी। क्या गया भाई, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या है, लाइट के प्लेन को मोड़ने की एबिलिटी। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ किन मॉलिक्यूल के पास है, जो हाथों जैसे हों, जिस भी कंपाउंड की दो फॉर्म होती हों, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो जो भी मॉलिक्यूल कियर लाइक होंगे वही ये प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी की बात होती है। बड़े बात आपको पहले पड़ गई, वेरी गुड। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब भाई थोड़ा आपको बताते हैं कि आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर कैसे कर सकते हो, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ये कैसे होएगा, तो देखो भाई आपने करना क्या है, आप सबसे पहले यहां पर ले, आप यहां पर ले अनपोलराइज्ड लाइट। हमारे पास यहां बताओ क्या, हमारे पास भाई एक लाइट का सोर्स है, और इसमें बताओ मेरे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। ओके ठीक है बात। अब यहां पर आप रखें एक प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। आपको पता है ये निकोल प्रिज्म इस लाइट को कर देगा पोलराइज। अब बताओ क्या बच गया मेरे पास, सिर्फ एक प्लेन का मेरे पास क्या बच गया, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी सभी प्लेन्स का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने हटा दिया, ठीक है बात। ओके अब बताओ क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई अब क्या हमारे पास। अब आप यहां पर एक और क्या रखें, निकोल प्रिज्म।
लेकिन ये वाला निकोल प्रिज्म इसके ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ये निकोल प्रिज्म क्या है? ऑर्थोगोनल। तो अगर ये निकोल प्रिज्म ऑर्थोगोनल है तो जो लाइट छोड़ेगा उस लाइट को ये क्या कर देगा? बिल्कुल खत्म कर देगा भाई। आपको पता है अगर दो निकोल प्रिज्म ऑर्थोगोनल हो तो वो पूरी तरह लाइट को कट कर देंगे भाई। तो अगर ये प्रिज्म इसके ऑर्थोगोनल है तो यहां आपको बेटा क्या मिलेगी? नो लाइट। क्या मिलेगी आपको यहां पर? नो लाइट। अगर ये आपस में ऑर्थोगोनल है तो ये पोलराइज्ड लाइट है भाई, इसमें से पार निकल पाएगी। लेकिन इसको आप रखो टर्न टेबल पे। किसके रखो इसको? इसको आप रखो टर्न टेबल पे। अच्छा, लाइट यहां पर क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि ये अगर प्रिज्म इसके ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब भाई बिल्कुल मतलब इनका म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस इनकी, तो इससे पैदा होने वाली लाइट भी क्या है? ऑर्थोगोनल। ये इसके ऑर्थोगोनल है तो लाइट भी इसके ऑर्थोगोनल, मतलब कंप्लीट ऑर्थोगोनैलिटी लाइट को खत्म कर देगी। लाइट को खत्म कर देगी लाइट को, ठीक है बात। अब आप एक काम करो भाई, अब आप एक हमारे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन ले लो आप यहां पर, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसका आपने क्या ले लिया? एक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन आप यहां रख दो। कहां रख दो? इसके रास्ते में। तो जैसे ही आप यहां पर सॉल्यूशन रखोगे ना, आपको एकदम से हल्की सी लाइट मिल जाएगी। वाई वाई वाई, क्योंकि भाई जैसे आपने सॉल्यूशन रखा, ये लाइट के प्लेन को हल्का सा क्या करेगा? मोड़ देगा। नहीं आपको भाई, इसने लाइट का जो प्लेन था वो मोड़ दिया थीटा। कितना मोड़ दिया? थीटा। तो ये लाइट जो थी, ये जो वर्टिकल जो लाइट है, वर्टिकल जो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइट है, वो इसके ऑर्थोगोनल है। लेकिन अगर लाइट का जो प्लेन है वो थोड़ा मुड़ गया तो अब ये पूरी तरह ऑर्थोगोनल ही रहेगी, तो कंप्लीट ऑर्थोगोनलिटी खत्म होगी ना। नहीं आपको, इसीलिए भाई पूरी तरह लाइट को भी कट नहीं कर पाएगा, तो हमको यहां पर क्या मिलेगी? थोड़ी सी लाइट। समझे बात? अब मुझे पता कैसे लगे कि भाई ये लाइट लेफ्ट में मुड़ेगी राइट में मुड़ी है? अब मैं पता करूंगा। अब फर्ज करो अगर लाइट मुड़गी, अगर ये यहां पर नहीं था तो ये और ये आपस में क्या थे? पूरी तरह ऑर्थोगोनल। उसको लाइट हमको नहीं मिल रही थी। अब अगर मान ले फर्ज करो ये रखते ही एकदम से लाइट का प्लेन मुड़ गया 35 डिग्री राइट। क्या? लाइट का प्लेन मुड़ गया भाई 35 डिग्री राइट। मेरा राइट, आपका लेफ्ट, 35 डिग्री राइट मुड़ गया लाइट का प्लेन, यानी कि इलेक्ट्रिक प्लेट पहले ही थी, अब ये होगी। ओके, तो लाइट हमको मिल जाएगी ना। अब अगर मैं इस टर्न टेबल पे रखे प्रिज्म को भी, जब तक मैं 35 डिग्री नहीं घुमा दूंगा तब तक लाइट रहेगी ना। तो पूरी तरह दे रहा मुझे वापस से कब मिलेगा? अगर मैं इस प्रिज्म को क्या कर दूं, अगर मैं 35 डिग्री राइट घुमा दूं तो फिर से यहां पर क्या जगह दे रहा? तो मुझे पता है दोबारा से डार्क हासिल करने के लिए इसको मुझे कितना घुमाना पड़ता है? हाँ, दोबारा से डार्क हासिल करने के लिए अगर मुझे टर्न टेबल को 35 डिग्री राइट घुमाना पड़े, इसका मतलब क्या है कि लाइट का प्लेन भी क्या था? 35 डिग्री राइट घुमा हुआ था। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या भाई? डेक्स्ट्रो मतलब राइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नहीं समझे बात? दूसरी तरफ अगर मान लिया भाई आपने जैसे सैंपल रखा ना भाई, एकदम से यहां पर आपको लाइट मिलने लग गई हल्की फुल्की, लेकिन अब दोबारा से क्या हासिल करने के लिए? डार्क भाई, ये यहां पर नहीं है। तो ये लाइट और ये लाइट आपस में क्या है? अगर दोनों प्रिज्म आपस में ऑर्थोगोनल है तो इससे निकलने वाली लाइट भी क्या इसके ऑर्थोगोनल है? तो हमको यहां पर कोई लाइट नहीं मिल रही, हमको क्या मिल रहा है? पूरी तरह से डार्क मिल रहा है, ठीक है बात। सैंपल रखते ही मान लाइट आ गई, फिर हल्की लाइट आ गई वहां पर, हल्की रोशनी वहां पर पहुंचने लग गई। तो मैंने क्या किया, मैंने टर्न टेबल को हल्का घुमाया और मैंने मानो 50 डिग्री लेफ्ट घुमाना पड़ा मुझे दोबारा से क्या हासिल करने के लिए? डार्क। भाई मुझे 50 डिग्री घुमाना पड़ा है लेफ्ट में, इसका मतलब क्या है? होना हो लाइट क्या होगी थी? सैंपल ने क्या किया बारी? 50 डिग्री लेफ्ट घुमा दिया, तो तभी तो क्या करना पड़ेगा हमको? समझे बात? तो ऐसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि भाई लेफ्ट में घुमो तो जिस डायरेक्शन में आपको टर्न टेबल घुमानी पड़े, अगर राइट में घुमानी पड़े तो डेक्स्ट्रो है, लेफ्ट में घुमानी पड़े दोबारा डार्क हासिल करने के तो क्या है? लीगो है। और जितने एंगल पे घुमानी पड़े वो क्या? उसका एंगल ऑफ रोटेशन। नहीं आपको ये
बोलो भाई, आ जाओ टपको, ठीक है। तो ऐसे भाई ऐसे, और ये पाया गया कि हरेक कंपाउंड, और ये पाया गया कि जो दो क्रिस्टल फॉर्म थी ना, अगर मैं एक क्रिस्टल फॉर्म डिजोल्व करता हूं उस कंपाउंड की, तो वो अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरी फॉर्म क्या उसकी, लीवो। क्या अगर उसकी एक क्रिस्टल फॉर्म क्या डेक्स्ट्रो, तो दूसरी क्या उसकी, लीवो है। आ गया आपको ये? अच्छा अब भाई, अच्छा ये और पाया गया, लेकिन ये पाया गया वही कंपाउंड अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग घुमाता है। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अगर मैं सेम वेवलेंथ रखता हूं, सब कुछ सेम रखता हूं, लेकिन वेवलेंथ बदलता हूं मैं, तो अलग घूमती है। नहीं समझे बात? टी से भी क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन बदल जाता है। टी से भी मान ले भाई, मान लिया कम टेम्परेचर पर एंगल इतना है, ज्यादा पे एंगल बढ़ गया, तो ये पाया गया कि भाई जो ये एंगल ऑफ रोटेशन है ना, तो अगला अगला हमारे दिमाग क्या आएगा कि चलो हमको तो पता लग गया कि जो कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो क्या होंगे, लीवो होंगे, ठीक है बात। लेकिन अब दिमाग में नहीं आएगा कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इस एंगल ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को, इसके मैग्नीट्यूड को, कि भाई। तो ये पाया गया कि वही सैंपल कम या ज्यादा घुमा सकता है उसी कंसंट्रेशन में, उसी पाथ लेंथ पे, अगर हम क्या बदल देते हैं, टेम्परेचर, या हम वेव लेंथ बदल दें क्या। तो ये पाया गया, तो जो हमारे पास क्या था, तो ये बोले भाई कि हम वेवलेंथ और टेम्परेचर हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, क्योंकि चार फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये जो एंगल होता है ना कि कम घूमेगी ज्यादा घूमेगी, ये चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो वेवलेंथ कौन सी आपने इस्तेमाल की है, एक टेम्परेचर, वेवलेंथ, टेम्परेचर, और भाई बताओ कंसंट्रेशन, और लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, समझे बात। तो बोले भाई कि हम लैम्डा और टी कांस्टेंट रखें, तो अगर हम लैम्डा और टी क्या रखें, कांस्टेंट रखें, नहीं समझे बात। बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे कि जो अल्फा होगा, सॉरी इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन, तो ये होगा प्रोपोर्शनल, क्या होगा ये, ध्यान रखिए ये अल्फा है, ये एंगल ऑफ रोटेशन है, तो अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन प्रोपोर्शनल मिलता पता किसके, सी के। ये पाया गया अगर कंसंट्रेशन डबल कर देता हूं ना, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, डबल होता है। अगर मैं कंसंट्रेशन ट्रिपल कर देता हूं, तो बताओ बेटा क्या होता है, ये ध्यान स्ट्रेंथ में, क्या ये स्ट्रेंथ ग्राम पर ml, ये क्या, ये ग्राम पर ml, ये एल तो क्या है सेंटीमीटर, और ये क्या है कंसंट्रेशन, नहीं आपको। तो बोले भाई अगर हम स्ट्रेंथ क्या करते सॉल्यूशन की डबल करते हैं ना, तो अल्फा क्या होता है, डबल। स्ट्रेंथ ट्रिपल की, अल्फा क्या हो जाएगा, ट्रिपल। तुम क्या बोलेंगे, अल्फा डिग्री ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एज वेल एज पाथ लेंथ, समझे बात। और इसको उठाएंगे तो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बोलो भाई, तो उसको बोल दिया अल्फा लैम्डा टी। बोलो भाई, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, नहीं समझे बात। लैम्डा टी तो अपने कॉन्स्टेंट रखनी रखनी है। अच्छा अब बताओ, अब कई कंपाउंड में क्या होती है भाई, ज्यादा रोटेट करने की एबिलिटी। देखो कई ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होती है, लाइट को ज्यादा रोटेट करने की एबिलिटी, और कई कंपाउंड्स में क्या होती है, लाइट को कम रोटेट करने की एबिलिटी। तो हमको पता कैसे लगी, मान लिया मेरे पास दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, ये भी राइट मोड़ता है और ये भी क्या होता है, राइट मोड़ता है। अब मुझे पता करना भाई, लाइट को मोड़ने की एबिलिटी ज्यादा किसकी है, लाइट के प्लेन को मोड़ने की एबिलिटी ज्यादा किसके अंदर है, तो उसको हम, इस एबिलिटी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बताओ भाई इस एबिलिटी को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, बताओ। हम बोलो बेटा देखो, तो अगर मैं ए मैं ले लू थोड़ा और बी ज्यादा, मैं तो अब मान लिया बी की एबिलिटी कम है और ए की एबिलिटी क्या ज्यादा है, लेकिन ए आपने थोड़ा सा लिया और बी आपने के लिए बहुत ज्यादा, तो भाई बी की एबिलिटी कम है लेकिन उस एबिलिटी मान ली बी कम है रोटेट करने की, ए की एबिलिटी ज्यादा है,
लेकिन बी आपने कंसंट्रेशन बहुत ले लिया और ए आपने बहुत थोड़ा लिया है, तो ज्यादा कौन रोटेट करेगा? बी। हालांकि एबिलिटी कम थी, तो भाई इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते से। तो कंपेरिजन सिर्फ कब होएगा? जब इनकी बराबर क्या ले हम कंसंट्रेशन, बराबर क्या ले पाथ लेंथ, समझ, तभी तो हमको पता लगता है भाई। नहीं तो कोई कम एबिलिटी वाला भी ज्यादा रोटेशन शो कर सकता भाई, अगर खूब सारी कंसंट्रेशन भी है। तो हम ये कंपैरिजन करने के लिए कौन सा स्ट्रांगली रोटेटिंग है, कौन सा वीकली रोटेटिंग है, आपने क्या करना पड़ेगा, सिंपली इनकी ये दोनों यूनिटी कर दो, इनके बटन को यूनिटी कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो ये बी जी वन ये बी वन, तो व्हाट इज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या बोलेंगे, तो इसीलिए भाई जब तुमको आपने क्या रिपोर्ट करनी पड़ेगी, आपने स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। तो क्या होता है ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, इज नथिंग बट एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन द कंसंट्रेशन एज वेल एज पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल आर टेकन एज यूनिटी। बात आपको पहले पड़ेगी, तो जिसका ज्यादा क्या होगा अल्फा, जिसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, वो मोर रोटेटिंग, और जिसका भाई स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कम होगा क्या होगा, लेस रोटेटिंग। समझ गए बात, ओके। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या अब हमको पता कैसे लगे भाई कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी व्हाट शुड वी डू, ठीक है बात। तो बताओ भाई कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, भैया मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या पाया था कि जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो दो क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, भाई जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो हमेशा दो क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं और वो दोनों क्रिस्टल फॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेज होती है लेकिन सुपर इंपोजेबल ना होती, समझे बात। अरे बोलो भाई बताओ आपको पहले पड़ी, जैसे हमारे हाथ होते हैं, हमारे हाथ भी क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज लेकिन सुपर इंपोजेबल ना होते, चेक कर लो भाई बताओ आपको पहले पड़ी। तो बोले भाई कि नॉन सो, तो भाई तो पहली कंडीशन क्या बेटा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सबसे मेन कंडीशन कौन सी थी बताओ, द मॉलिक्यूल शुड बी हैंड लाइक, द मॉलिक्यूल शुड बी हैंड लाइक, तुम क्या बोलेंगे सबसे बेसिक कंडीशन की तुम क्या बोलेंगे, और ये कंडीशन भाई साहब कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल होनी होनी पड़ेगी, तुम क्या बोलेंगे, द मॉलिक्यूल शुड बी हैंड लाइक, इट मीन्स द मॉलिक्यूल शुड बी हैंड लाइक, कीयर लाइक, कायरल, द मॉलिक्यूल मस्ट नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, क्या ए मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, हम क्या बोलेंगे, इफ ए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज दिस मॉलिक्यूल एज वेल एज इट्स मिरर इमेज बोथ विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत आपको पहले पड़ेगी, ये सबसे बेसिक कंडीशन है। तो आपसे बेटा ये पूछ लिए कि बताओ क्या CH4, अब देखो ये होता ना, अब इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज बड़े रहते हैं, इसमें भाई बच्चे कंफ्यूज बहुत रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड भाई, तो क्या आपसे पूछे बताओ, ये बताओ मेरे पास क्या है, अब देखो ये बताओ मेरे पास क्या है, CH4, ये मेरे पास क्या बताओ भाई, CH4 का मॉलिक्यूल है, ठीक है बात, ये क्या है H, H, H और H, तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं, आप यहां पर मिरर लगाओ तो
तो मिरर में ये ऐसा नजर आएगा, मिरर में ये दो तो ऐसे ही नजर आएंगे, लेकिन ये चौक यहां और ये एटम यहां नजर आएगा। लेकिन मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो पूरी तरह क्या होगा, हाइड्रोजन ढक लेगा हाइड्रोजन को और कार्बन कार्बन ढक लेगा, तो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है? नहीं नहीं अभी मैंने बोला थोड़ी ना ना बेटा, ये मेन कंडीशन ये होती है, समझे बात आगे भाई आपको? ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है द मॉलिक्यूल, लेकिन लेकिन अगर मैं चारों ग्रुप क्या कर दूं डिफरेंट, बताऊं क्या करूं, चार ग्रुप में क्या कर दूं डिफरेंट कर दूं, नहीं काम करो पहले दो सेम कर दो, आप कर दो CH2Cl2, नहीं CH2ClBr, ये बताओ मेरे पास क्या है, बल्कि सर ऐसे रखो देखो भाई, नजर आ रहा आपको ये? अरे भाई नजर आया आपको, देखो ऐसे ही, ठीक है बात। तो देखो अब अगर मान लिया, आप फर्ज करो देखो ये है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये दो तो ऐसे हैं और दो ऐसे हो गए, अगर मैं यहां पर मिरर लगाऊं, ये क्या मेरे पास CH2ClBr ला लो, अब मैं यहां पर मिरर लगाऊंगा तो मिरर यहां पर लगाने पर भाई ये दो ये एटम तो यहां नजर आएगा और ये एटम यहां नजर आएगा, ऐसे क्या? लेकिन ऐसे ये ब्लू तो यही नजर आएगा और रेड यहां नजर आएगा, आया आपको? तो ये ऐसे नहीं है मुझे भाई, तो इसको उठा बैठे यहां पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, बताओ रेड रेड के ऊपर, ब्लू ब्लू के ऊपर, यानी क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर, ब्रोमीन ब्रोमीन के ऊपर, तो भी क्या सुपर इम्पोजेबल है। तो ये मॉलिक्यूल तो एक काम करते हो, तो कैसे पता करते हैं भाई, मॉलिक्यूल लिया सामने मिरर लगाया, फिर देखो मिरर में क्या नजर आ रहा है, फिर मिरर वाला जो इमेज है ना उसको रियलाइज कर लो, रियलाइज का मतलब क्या, क्या मान लो कि वो एक मॉलिक्यूल ही है, फिर इसको उसके ऊपर उठा को कैसे रखो, घुमा फिरा के कैसे रखो, कोई कंडीशन ना होती कि इसको ऐसे नहीं रखना होता क्या, इसको इसको आप किसी भी एंगल पे घुमा फिरा के उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखो, अगर सुपर इम्पोज हो जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और सुपर इम्पोज ना हो तो ऑप्टिकली एक्टिव। देखो अब आप चारों ग्रुप क्या कर लो डिफरेंट कर दो, चारों ग्रुप देखो, अब अगर मैं चारों ग्रुप क्या करता हूं मैं डिफरेंट, हाँ आप ये देखो हो गया चारों डिफरेंट, आप ये देखो बताओ, देखो चारों ग्रुप क्या हमारे पास अब डिफरेंट है, अरे टेट्राहेड्रा देखो एक ऊपर तीन नीचे ऐसे मान लो इसको, ठीक है बताओ, अरे बोलो भाई आगे आपको, अब आप बताओ, अब मैं यहां पर मैं कहूंगा ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, आपको ऐसे कैसे, यहां पर एक मिरर लगाओ, तो यहां पर भाई मिरर लगाने पर ये पेन आपको कहां नजर आएगा बताओ, इस साइड, ये आपको यहां नजर आएगा और ये आपको यहां नजर आएगा, तो ये ऐसा है, लेकिन ये ग्रीन यहीं पर, ये पिंक यहीं पर, मिरर में ये नीचे वाले तो ऐसे, लेकिन ये ऐसे नजर आएंगे आपको उल्टे, नहीं आपको बताओ, नहीं बेटा कोई कोई और पेन नहीं है क्या, और किसी कलर का, हाँ ब्लैक का, शाबाश चलो भैया मान लेते इसको ब्लैक मान लेते ग्रे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको भैया ऐसे रखता हूं, अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये तो ऐसे ही नजर आएंगे, लेकिन ये ऐसे और ये ऐसे नजर आएगा, तो इसमें ये ग्रे इस साइड है, इमेज में ग्रे यहां नजर आएगा, तो इसको ऐसे मैंने रखा है ऊपर, तो ग्रे जो होगा वो जाएगा ब्लू के ऊपर, मैंने ऐसे रखा भाई देखो ग्रे यहां नजर आएगा, इसको ऐसे कौन मैं, तो जो इमेज इमेज में ग्रे यहां आएगा, तो ये जो ब्लू होगा ये आएगा ग्रे के ऊपर, है ना, और आपको इसको हम घुमा के रख देंगे, घुमा के आपने घुमा दिया ना, ठीक है अब ठीक है, लेकिन अब ये मैं अब ये ओवर सुपर इम्पोज ना हो, ना घुमाएं ऐसे कैसे सुपर इम्पोज किया, तो ये सुपर इम्पोज ये ना हो, और आपने 180 घुमा दिया, अब ये सुपर इम्पोज अब ये ना हो, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई ऐसे करने पर यहां ग्रीन है यहां पिंक है, ऐसे घुमाने पर अब पिंक जाए ग्रीन के ऊपर, ग्रीन जाए पिंक के ऊपर, बात आपको पहले पड़ी,
तो हम क्या बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में क्या नहीं है बताओ, हम क्या बोलेंगे, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। तो भाई सबसे मेन कंडीशन यही होती है, सबसे बेटा प्राइमरी कंडीशन यही होती है, समझे बात। और इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग पेयर बोलते हैं इसको, तो क्या हुआ, इफ ए मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इट विल डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। इफ ए मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोजेबल इट्स मिरर इमेज, इट्स मिरर इमेज इज एक्चुअली ए मॉलिक्यूल, इट्स मिरर इमेज विल ऑल्सो बी ए मॉलिक्यूल एंड बोथ विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, समझ गए बात। तो यही कंडीशन होती है, लेकिन दिक्कत क्या है, थोड़ा पहली आ गई कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है। अब देखो एक मेन कंडीशन तो यही है, लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को देखना, उनको मिरर में देखना, फिर उनको सुपर इम्पोज कर दे, इसमें बहुत टाइम लगता है। क्यों भाई, एक मॉलिक्यूल आपने इमेजिन कर लिया, फिर आपने मिरर लगा दिया, फिर मिरर में उसकी इमेज को देखो, फिर उसको फिर थ्री डायमेंशन इमेजिन करना, फिर घुमा फिरा के उसके ऊपर रखना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि ये बताओ कि ये मॉलिक्यूल, बताओ मैं कह दूँ, बताओ ये मॉलिक्यूल बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, सोचो ये मॉलिक्यूल आपने इमेजिन करना है, फिर इसको मिरर इमेजिन करना है, फिर इसकी इमेज इमेजिन करनी है आपने, फिर देखना है कि ये मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड, इसमें एफर्ट लगता है, इसमें इमेजिनेशन बहुत होती है। तो साइंटिफिक कमिटी सोचा कि क्या होना, हम कोई शॉर्टकट पता कर ले शॉर्टकट, तो उन्होंने ये पाया कि जिन भी जो भी मॉलिक्यूल अपनी मेरे, और ये जो पहली कंडीशन है ना ये 100% ट्रू है, क्या है 100% ट्रू, मतलब जो भी मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली, जो भी मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, ठीक है बात। ये पक्का, ये पूरी एक्टिविटी आई, लेकिन बोले भाई क्योंकि ऐसे बार बार मॉलिक्यूल को इमेजिन करना 3D में, फिर उसका मिरर इमेज इमेजिन करना, फिर दोनों को सुपर इम्पोज करना, और सीधे सुपर इम्पोज नहीं, घुमा फिरा के चेक करना है कि सीधे सुपर इम्पोज किया नहीं हुआ, लेकिन क्या पता उसको फिर भाई किसी ऐसे फ्लिप करने पर, उल्टा पुल्टा करने पर वो सुपर इम्पोज हो जाए, तो बहुत सारे इसमें क्या है पॉसिबिलिटी नहीं है क्या। तो बोले हमें कोई शॉर्टकट चाहिए, तो उन्होंने देखा कि जो भी मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं ना, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। कैसे, उन्होंने क्या पाया कि जिन मॉलिक्यूल में क्या नहीं होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, क्या होता है, जिन में भी भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना, वो कोई भी अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो बोले भाई अब मॉलिक्यूल को इमेजिन करके सुपर इम्पोज करने से बेटर क्या है, हम मॉलिक्यूल को पहले ही क्या कर लें, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर ले, समझे बात। फॉर एग्जाम्पल ये जो मॉलिक्यूल था भाई, ये जो मॉलिक्यूल था बताओ CHClBr, ये जो भाई मॉलिक्यूल था CHClBr, इसमें क्या नहीं है बताओ, ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं ना, मतलब ये पाया इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा ना तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, उनको पहले ही पता है। मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी चाहती है कि उनको मिरर इमेज ना बनानी पड़े, उनको पहले पता लग जाए कि ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होगा कि नहीं होगा। तो बोले भाई काम करो, जिसमें भी क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, वो सारे के सारे क्या हैं, अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पता करना आसान होता है कंपैरेटिवली मिरर इमेज बना के सुपर इम्पोज करके देखने से, तो जो कंडीशन थी वो क्या होगी, रिलैक्स होगी हमारी। मतलब अल्टीमेटली कंडीशन फॉलो वही करनी है, अल्टीमेटली कंडीशन फॉलो वही करनी है। यहां पर तुम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, एक अल्टरनेट तरीका है शॉर्टकट, वही समझे बात। तो बोले भाई ऑल द मॉलिक्यूल्स विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री विल नॉट बी सुपर इम्पोजिबल, लास्ट बोलो भाई, ऑल द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री विल नॉट बी सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस एंड हेंस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। आगे आपको तो ऐसे बोलने लगे भाई, ओके, लेकिन फिर यहां पर दिक्कत थी, तो मोस्टली लेकिन ये कंडीशन 100% ट्रू नहीं है,
ये 99.99% केसेस में काम कर जाएगी, क्योंकि 99% जो मॉलिक्यूल होते हैं ना जिनमें क्या ना हो सिमेट्री, वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोजेबल नहीं होंगे। लेकिन कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, नहीं है, उसके बावजूद वो सुपरइम्पोज होते हैं अपनी मिरर इमेज के ऊपर। क्यों होता क्यों नहीं, मैंने बोला क्या, तो मैंने क्या बोला था, पहली कंडीशन क्या है 100% ट्रू, मैंने क्या बोला था, पहली कंडीशन 100% ट्रू है, तो हर एक कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ता, असल तो कंडीशन ही होती है, समझे बात। तो मैंने क्या बोला, दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये 99% ट्रू है, मतलब ऑल द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री विल नॉट बी सुपरइम्पोज्ड, लास्ट में पहुंचना यहीं पर है, विल नॉट बी सुपरइम्पोजेबल दो ऑन देयर मिरर इमेजेस एंड हेंस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन 99% केसेस में, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल लिखूंगा जिसमें प्लेन नहीं है और उसके बावजूद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बताओ ये रहा बेटा, नहीं आपको इसमें कोई, आप उसको ऐसे काटोगे ऊपर बी आर नीचे एच, ऐसे कैसे, इसमें कोई प्लेन नहीं भाई, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फिर कैसे हुआ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है हालांकि इसमें कोई प्लेन नहीं है, तो इसमें एक्सेप्शन होते हैं भाई इस रूल के, तो ये कंडीशन 100% ट्रू नहीं है। तो एक तीसरी कंडीशन होती है क्या, मतलब ये दो कंडीशन वास्तव में शॉर्टकट है इसी कंडीशन का, असली कंडीशन ही होती है, द मॉलिक्यूल मस्ट नॉट बी सुपरइम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज। हम ये कंडीशन और कंडीशन के थ्रू चेक करते हैं, समझे बात। तीसरी कंडीशन ये होती है, देयर शुड बी नो सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट, क्या देयर शुड बी नो सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट, मतलब देयर शुड बी नो प्लेन, नो इन्वर्जन, नो एसएन, और समझे बात। जो मैंने अभी मैंने मॉलिक्यूल लिखा था उसमें सिग्मा नहीं था लेकिन उसमें इन्वर्जन था, अब समझ गए बात। हाँ, अब यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में, मैंने आपको पढ़ा था इससे पहला हमारा टॉपिक क्या था, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है बात। तो जिन भी मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, सिग्मा, इन्वर्जन और एसएन, ये सब बताओ क्या होंगे एब्सेंट। अरे भाई जिन में क्या होंगे, सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होंगे एब्सेंट, वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे भाई। तुम क्या बोलेंगे, ऑल द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज विदाउट, all the molecular geometries which do not possess any secondary symmetry element will not be superimposable on their mirror images and hence will be optically active। अगर आपको ये भी क्या होती है 100% true होती है, लेकिन भाई क्योंकि छोटे बच्चों को ये पता नहीं होता ना inversion और ये, समझे बात, तो सिर्फ mostly इसमें plane वाले से काम चला लेते हैं, लेकिन ध्यान रखो इसका exception होता है भाई, और असली कंडीशन यही होती है, इसको भी लास्ट में यही फुलफिल करनी पड़ती है। आगे आपको ये, तो मेरे ख्याल से आपको भाई कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पहले पड़गी, नहीं बेटा आपको, आसान है मुश्किल है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।